Subscribe and click the bell icon for all the television updates. शोएब को बड़े पर्दे पे देखने का जो सपना था वो बहुत समय से हम सबका था एंड आज जब यू नो इट्स फाइनली हैपेंड एंड हमने देखा है तो कहते ना कि कई एक्सप्रेशंस आप इन वर्ड्स डिस्क्राइब नहीं कर सकते तो इट्स जस्ट अ फीलिंग जो शायद हमेशा एक वन ऑफ द मोस्ट आई थिंक विल बी वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल डेज ऑफ आवर लाइफ्स एंड उसके लिए एक बहुत स्पेशल थैंक यू जय सर को डेफिनेटली एंड लालवानी सर को क्योंकि इन्होंने वो एक कॉन्फिडेंस शोएब में दिखाया कि येस ही विल कैरी कामराज ऑन हिज शोल्डर्स सक्सेसफुली एंड अब वो ये बताएंगे और वो आप बताएंगे कि शोएब कितना जस्टिस कर पाए एंड या दैट्स बहुत नर्वसनेस है बहुत एक्साइटमेंट है कि कल आप सबका रिएक्शन और जनता का रिएक्शन क्या होगा क्योंकि हम जब ये कुछ एंटरटेनमेंट कुछ भी हम लोग करते हैं तो मेन रिएक्शन जो है वो हमारी जनता का होता है और वही हमें जज करने वाली है तो बस उसी का इंतजार है। आप क्या कहना चाहेंगे आपका फिल्म को कितना फायदा होने वाला है क्योंकि आप भी प्रमोट कर रहे हैं फिल्म को तो इस चीज को लेकर फिल्म को कितना फायदा होगा? मेरा कोई फायदा नहीं होगा इस फिल्म को इट इज जस्ट जैसे आप लोगों ने देखा था जब मैं बिग बॉस के घर के अंदर थी तो मुझे जिस तरह से शोएब ने सपोर्ट किया आई थिंक वो एक स्ट्रॉन्ग मेरे सपोर्ट की तरह खड़े रहे और मैं अपने आप को बहुत लकी फील करती हूँ कि इस वक्त मैं थोड़ा मेरा यहाँ रहना थोड़ा भी इस फिल्म को अगर आप कह रहे हो सपोर्ट करता है मेरा ये नज़रिया नहीं है मुझे लगता है एज अ कपल हम हमेशा हैंड टू हैंड चले हैं एंड आगे भी इंशाल्लाह हमेशा हम लोग हैंड इन हैंड चलेंगे डेफिनेटली ये बात कही जाती है कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन इज अ वुमन बट आई थिंक इट्स वाइस वर्सा ऑल्सो अगर एक कपल एक दूसरे के पीछे खड़ा रहे तो दे आर definitely in all walks of life they will only win and I'm sure ye film jo audience khichegi wo sirf apne dam pe ye jo puri team hai inke mehnat ke dam pe uske content ke dam pe and performance ke dam pe and I am just here to keep my keep my opinion and just request everybody ki guys please go watch it's sheer hard work jo sabne kiya hai so please jaiye dekhiye aap nirash nahi ho जो आइडिया क्रिकेट और कॉन्सेप्ट जो क्रिकेट और बटालियन जो एक आर्मी के साथ बेसिकली 70 सालों से आप भारत का इतिहास देखें और पाकिस्तान का इतिहास देखें तो जब भी छोटी मोटी जंगें होती है और हमारे फौजी और पाकिस्तान की फौज जब शहीद होती है तो सबसे पहला जो असर आता है वो इंडिया और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच पर ही आता है और तो ये आइडिया 70 सालों से चला रहा था इसको जस्ट कैश करना था मुझे दैट इज़ द बेसिक आइडिया ऑफ द फिल्म व्हाट इज हैपनिंग फ्रॉम 70 इयर्स एंड व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर ऑल्सो यही होगा बड़ा ही अच्छा आइडिया जैसे सवाल पूछा गया था डायरेक्टर साहब ने बिल्कुल सही जवाब दिया कि जब भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में कोई भी अदावत होती है रंजिश बढ़ती है तो क्रिकेट ही है जो कि सफ़र करता है और वैसे मैं तो इस राय का हूँ कि अगर बॉर्डर पार से आतंकवादी आते रहेंगे तो क्रिकेट खेलने का कोई मतलब नहीं है पर डायरेक्टर साहब ने क्रिएटिव लिबर्टी लेते हुए एक सुझाव कहेंगे देने की कोशिश की है कि एक पीसफुल भी तरीका है स्पोर्ट्स ऑल्सो कैन समटाइम यू नो डिमिनिश द एनिमोसिटी बिटवीन टू कंट्रीज फिर कितना कामयाब होते हैं मेरा कहना फिल्म में बड़ी था कि अगर हिंदुस्तान पे कोई भी अटैक किया जैसे तालिबान हरदम प्लान करता है अटैक या पाकिस्तान जब भी प्लान करता है इंडिया उसका मुंह तोड़ जवाब देगी तो मेरा क्लियर है कि इफ़ यू टॉक विद गन्स वी आर गोइंग टू आंसर यू विद बुलेट्स तो बहुत क्लियर था मेरा ये पिक्चर और जहाँ पे तालिबान हमको हर बार अटैक करने की सोचती है इंडियंस अटैक बैक एंड गिव दम एन आंसर इन देयर प्रॉपर मैनर क्रिकेट हम तब खेलते हैं जब पाकिस्तान हमें अप्रोच करता है कि उनको क्रिकेट मैच खेलना है तभी स्क्रिप्ट में क्रिकेट आता है नहीं तो हमने किसी चीज़ के लिए पाकिस्तान को अप्रोच नहीं किया इसमें हाँ ये दिस वाज द बेस्ट पॉइंट ऑफ द फिल्म इफ़ यू गो टू सी कि वाकई में हम नहीं कहते हैं कि भाई हमें आपसे क्रिकेट खेलना है वो लोग जब ऑफर करते हैं कि अगर इतना ही तुम्हें घमंड है अपने गेम पर तो 18 किलोमीटर की शर्त लगा लेते हैं जो गेम जीतेगा उसका हो जाएगा वो किलोमीटर तो उसमें भी कितने डायलॉग मारते हैं कि 18 किलोमीटर तक की ज़मीन ले लेंगे आपसे और आपके गांव को ऐसा बना देंगे ना वैसा बना देंगे इतनी डायलॉग बाजी करते हैं पाकिस्तानी लोग दैट इज़ द बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ एक फिल्म में दिखाया कि मेजर एक डिसीजन लेता है मेजर उसको इतना पावर रहता है आम बात कर फिक्शन फिल्म इट्स प्योरली अ फिक्टिशियस फिल्म इफ आई गो टू दैट यू कांट डू एनीथिंग लाइक दैट
इट इज अ प्योरली फिक्शन बेस्ड फिल्म, इट हैज नथिंग टू डू विद लिबर्टी। आप हर फिल्म में देखते हैं, अगर आप अशोक कुमार जी से आर्मी की बात कर रहे हैं, हमारा सीना चौड़ा हो रहा है, आर्मी ऐसी कंडीशन में होता है, ये पिक्चर देख के आपका सीना चौड़ा हो रहा है कि नहीं? डेफिनेटली हुआ है। बस कुछ कुछ गलतियां हमने भी देखी है। एक झंडा मुझे कहीं फटा थोड़ा सा ये यहां लग रहा है, एक बार जलाया, एक बार झंडा जो झंडा जो लकड़ी में था वहां पे उसकी सिलाई बरोबर नहीं थी। हम किसी के सेंटिमेंट को हर्ट नहीं करना चाहते, भारत हमारा भी देश है, हमारा झंडा है, हमारे लिए शान की बात है, बड़ा गर्व होता है हमें उस झंडे को लेकर। पर ऐसे इंटेंशनली कुछ नहीं था, अगर शूटिंग के दौरान कोई ऐसी बात रही हो तो ये ख्याल नहीं गया। वी आर एक्सट्रीमली सॉरी इफ वी हैव डन एनीथिंग रॉन्ग, वी वुड लाइक टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस। यस सॉरी, या वी विल सीक योर फॉरगिवनेस। अच्छा यहाँ देखा है मोदी जी को भी आपने दिखा दिया, एक तरह से मोदी अच्छे दिन आ गए, लगता है अच्छे दिन आ गए। ऑफकोर्स आ गए, ऑफकोर्स आ गए। अच्छा 11-12 किसे मानते हो? उरी से कॉम्पिटिशन मानते हो? उरी एक फिल्म है मेरे ख्याल से, कोई टॉपिक पे है सर? हमारे सामने सारी बड़ी फिल्में हैं, उरी बड़ी फिल्म है, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, हम छोटे लोग हैं, हम छोटा ही बिजनेस करना चाहते हैं। हम हमारी भी उरी से कम नहीं है। अगर हमारे प्रोड्यूसर साहब कहते हैं हम भी किसी उरी से कम नहीं, उरी से कम नहीं है, उरी अपनी जगह पे है, हमारी बटालियन अपनी जगह पे। देखो क्या है, उरी उरी इज प्योरली अ वॉर फिल्म, जैसे कि टाइटल सजेस्ट करता है ना, उरी इज़ अ वॉर फिल्म। एक सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था जिससे कि हम सब जानते हैं। हमारी फिल्म में ऐसा है कि सर्जिकल स्ट्राइक भी है और साथ में आम पब्लिक के आनंद के लिए, मज़े के लिए हमने क्रिकेट भी रखा हुआ है, लव स्टोरी भी है और इफ्स एंड बट्स है, क्या होगा और एक सस्पेंस है, एक मैसेज भी है जो हमने एक हिंदुस्तानियों को दिया है। हाँ, वो मैसेज देना है कि मतलब कि ऑल द टाइम इट्स नॉट नेसेसरी टू विन एनीथिंग विद द बुलेट्स और गन्स, यू कैन प्ले स्पोर्ट्स एंड बी फ्रेंडली विद देम। अगर आप एंड स्टिल विन एंड स्क्रोल देखे तो मैंने दुश्मन देशों का नाम देखा है कि इजराइल और पैलेस्टीन अब खेलने जा रहा है, मतलब कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वॉर होते जाए। जहाँ तक आप देख रहे हो हर जगह वॉर 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 बढ़ते चला जा रहा है, तो वो स्टॉप करने का एक नुमाइंदा है कि आप स्पोर्ट्स खेलिए, आपके गुस्से जितना है ग्राउंड पर निकालिए। एक्साइटमेंट क्या कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? सर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, जैसे हमेशा कहते हैं कि पहली चीज़ हमेशा पहली होती है, बहुत ख़ास होती है, उसका एक्सपीरियंस आई थिंक किसी से भी मैच नहीं कर सकता है। तो हम तीन यहाँ पे हैं जिनकी ये पहली फिल्म है, एज अ प्रोड्यूसर, एज अ डायरेक्टर और एज एन एक्टर। तो यस, बहुत ज़्यादा खुशी है, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है और नर्वसनेस भी है कि कल आप लोगों का रिएक्शन कैसा होगा। आप लोग बताइए आप सबकी फिल्म कैसी लगी। बस और बस यही दुआ करता हूँ कि कल जैसे आपका रिएक्शन है, ऐसे फिल्म रिलीज होने के बाद कल बाकी लोग का भी रिएक्शन हो। इंशाल्लाह आपको उम्मीद तो ऐसी की है और मेहनत भी इसीलिए की है कि चौके छक्के लगने चाहिए, बाकी कल का इंतजार है। सर इसके लिए जब मुझे स्क्रिप्ट सुनाई गई थी और मैं फाइनल होता इसके लिए, सबसे पहले तो मैंने उस वक्त सबसे पहले अपने को फिजिकली फिट किया था ताकि एक सोल्जर की तरह वो लीन टोन बॉडी, उससे पहले मैं बहुत बल्कअप था तो वो किया। और उसके बाद कैरेक्टर के लिए आई थिंक कहते हैं कि जब एक डायरेक्टर फिल्म का अच्छा हो तो एक्टर को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, तो मैं इसका पूरा क्रेडिट दूंगा ब्रजेश सर को कि जिस तरीके से उन्होंने मुझे पूरा कैरेक्टर समझाया। और हम लोग शूट पे जाने से पहले हम लोग रात रात में बैठ के प्रैक्टिस किया करते थे, रिहर्स किया करते थे, इवन एक्शन सिक्वेंस हम लोग जाके अक्सर बीच में सुबह 4-5 बजे पर जाके शूट किया करते थे ताकि हम लोग को सेट पर जाके प्रॉब्लम ना हो। तो ये सब मेहनत की है और हमारे सर ने हमें बहुत सपोर्ट किया है, हमारे प्रोड्यूसर साहब ने। जब हम लोग रिहर्स किया करते थे, डायलॉग रिहर्स किया करते थे, एक्शन सीक्वेंस सुबह 5 बजे आके अक्सर बीच पर रिहर्स किया करते थे, तो नॉर्मली अगर सर चाहते तो नहीं आते, लेकिन ये आया करते थे हमारे साथ में, बैठा करते थे कि तुम लोग मेहनत कर रहे हो तो मैं भी यहाँ बैठूंगा क्योंकि मेरी भी पहली चीज़ है और मैं चाहता हूँ कि हम सब साथ में मिलकर मेहनत करें। सर थैंक यू सो मच। थैंक यू। मेजरली नहीं मिले, मैं इस बात में बताना चाहूँगा कि पहले हमने 2017 पे अप्लाई किया था तो उसमें मोदी जी कट गए थे, हमारे जो मोदी जी है वो कट गए थे। अब से हमने वापस से अप्लाई किया था वापस से, तो हमको बहुत कट कंपैरिजनली उससे कम कट मिले और मोदी जी भी हमारे बच गए। तो आई वुड बी थैंकिंग द चेयरमैन ऑफ द सेंसर बोर्ड फॉर ऑल द थिंग्स ही हैज डन, एंड मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ उनका। मैं सब बहुत डिस्कशन था ये सब नवंबर के महीने में कि डेट्स कौन सी होनी चाहिए, और जब तक दिसंबर आया तो बहुत सारी चीज़ डिस्कस हो रही थी। और बहुत हमारे प्रोड्यूसर साहब ने बोला मुझे स्क्रिप्ट पे मेरी फिल्म पे पूरा भरोसा है, वी गो ऑन द लेवल, वो कहीं बैकआउट नहीं है।
एक्चुअली पर उरी का डेट हमारे बाद अनाउंस हुआ है. हम लोग ने जब डिसाइड कर लिया था कि 11 जनवरी को हम लोग रिलीज़ करेंगे और उसके लिए हमने अपनी मार्केटिंग और वगैरह वगैरह सबको सारा तैयारी कर ली थी, उसके बाद उरी आई है एक्चुअली पिक्चर में. सर मेरा भी जवाब वही होगा जो ब्रजेश सर का है, बट मैं एक चीज बोलूं कि हम दोनों का कंटेंट बहुत अलग है. वो रियलिस्टिक पूरी फिल्म है कि सर्जिकल स्ट्राइक पूरा कैसे हुआ, और हमारी फिल्म आपने देखा होगा फुल फिक्शन है, इसमें मसाला है, बॉलीवुड है, वॉर भी है और साथ में क्रिकेट भी है. तो हम दोनों का जॉनर बहुत डिफरेंट है और हम भी सबसे उम्मीद यही करेंगे और यही आप सबसे वादा करते हैं कि आप निराश नहीं होंगे हमारी फिल्म देख के. तो कल जाइए देखिए. अच्छा आपको क्या लग रहा है, डर लग रहा है, महसूस हो रहा है क्या कि कल 11 फिल्म रिलीज़ नहीं? मुझे डर नहीं लग रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि ये पिक्चर मेरा एक सपना था जो कल रिलीज़ होने जा रही है. और इस सभी टीम का बहुत साथ रहा है मेरे साथ और बहुत प्यार दिया है इन्होंने मुझे, और बस इतना ही बोलना चाहूँगा. इनके पेट में दो दिन से तीन दिन से बटरफ्लाई दौड़ रहे हैं. ही इज इनटू अ डिफरेंट जोन ऑल टुगेदर. अगर आपको नींद नहीं आ रही, सुबह 5:30 बजे उठ के फोन कर रहे हैं 11 तारीख का. एक्चुअली हमारे सर जो है ना वो एक्सप्रेसिव थोड़े कम है, ये शब्दों में कम बयां कर पाते हैं. आप इनकी आंखें देख सकते हैं, आंखें इनकी सब कुछ बयां कर रही हैं कि आज ये क्या फील कर रहे हैं. शुक्रिया. और मेरे दिल के करीब एक ये तो रोल था ही, और दूसरे उस शख्सियत का जिसका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, एसी हूँ, बहुत बड़ा एसी हूँ. एक ऐसे ईमानदार इंसान का जो हमारे देश का प्रधानमंत्री है. और मैं थैंक्स बोलूँगा हमारे डायरेक्टर साहब, इन्होंने भरोसा किया मुझ पर कि हाँ ये शख्स नरेंद्र मोदी के लिए फिट है. अब ये इनकी नज़रें थी और मैंने इनके भरोसे को तोड़ा भी नहीं. मैं ABP न्यूज़ चैनल में 7 RCR में नरेंद्र मोदी का रोल मैंने किया था, लेकिन टीवी शो और फीचर फिल्म में बहुत फ़र्क होता है. एक रेस्टोरेंट में आप कुछ लोगों के साथ बैठे हुए थे हमारे डायरेक्टर साहब, तो मुझे पता लगा कि ये फिल्म बना रहे हैं आर्मी की. मैंने कहा मैं भी मिलूँ, तो किसी साहब ने कहा कि ये मोदी का भी इन्होंने किया है, तो आप बोले कि मैं नरेंद्र मोदी का करेक्टर डालना चाहता हूँ एक अपनी फिल्म में. मैंने कहा सर मैंने ऐसे शो किया था, तो ये बोले आप मेरे ऑफिस आए, एक ऑडिशन करूँगा मैं. इन्होंने ऑडिशन किया और ऑडिशन देखने बाद डायरेक्टर साहब ने इतना कहा था कि कोई मैच नहीं आप डन. इज अ ब्रिलियंट एक्टर थ्रू आउट. जब इनको पहली बार मिला था तो रेस्टोरेंट में उन्होंने बताया था कि मैं मोदी करता हूँ. इन्होंने क्लिपिंग दिखाई थी और इन्होंने शायद दो लाइनें बोली. आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड. मैंने बोला हाँ मित्रों वाला वो एक फेमस जो लाइन है मोदी जी की, मित्रों वो सेम मित्रों. इन्होंने बोला एक बार इनसे हो जाए वो मित्रों, एक बार हो जाए सर मित्रों. ये जो फिल्म है इसे आप लोग देखें और सराहें कि हमारे ब्रजेश त्रिपाठी जी ने ये जो फिल्म बनाई है ये पूरे हिंदुस्तान में एक नया आयाम रोशन करेगी, एक नया नाम रोशन करेगी. ये थोड़ा इमोशनल है, थोड़ा भावुक है, इसीलिए वो लेवल नहीं पकड़ पा रहे. नहीं तो इन्होंने बहुत अच्छे लेवल पकड़े हैं. तो इन्होंने परफॉर्म किया था एक क्लिपिंग, मतलब एक देन आई कॉल्ड इन फॉर, उनको एक सेट पे बुलाया था मैंने एक जस्ट देखने के लिए, टेस्ट के लिए. And within 1-2 lines, it was perfectly matching. And I said कि this is perfect शुक्ला जी, और कुछ नहीं चाहिए, मुझे इतना ही चाहिए, यही चाहिए. और एक जो बेस लाइन थी इस पूरी पिक्चर में जो एंड में आप सुनाएंगे, अच्छे दिन आ गए, that was the best part of it. If you speak नरेंद्र मोदी speak the, this is the best line you have. 18 किलोमीटर ज़मीन वापस मिली. इसी लाइन की वजह से. जी आप करेंगे. जैसे इनकी इतनी पॉजिटिव स्टोरी सुनी, मेरी स्टोरी थोड़ी ऑपोजिट है क्योंकि सारे ऑडिशंस बहुत अच्छे हुए थे. एक मेरा कैरेक्टर था, मैंने सबसे गंदा ऑडिशन दिया था. सर ने कहा मैं तेको कास्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तेरा ऑडिशन सबसे खराब है, क्योंकि मेरा कैरेक्टर ही वैसा है. मैं कहता नहीं तो मैं अच्छी बात समझूँ कि बुरी बात समझूँ, तो मुझे ये बड़ा याद है. और बलबीर का जो कैरेक्टर है बेसिकली इट्स नॉट अ पर्सन हु थिंक्स मोर एंड सेज, वो बोलता है और सोचता भी नहीं है. तो एक जो कैरेक्टर इनका फ्लो रहता है वो चलते चलते चले जाता है, चलते चले जाता है, वही चाहिए था. और एक इनोसेंस की जो डेथ होती है
इंटरमिशन में जो बलबीर की डेथ होती है दैट वुड बी मोर शॉकिंग। और उसके एक सीन पहले आप एक देखते कि वो अपने बच्चे से बात करता है क्रिकेट बैट खरीदने के लिए और वो क्रिकेट बैट जो खरीदा रहता है उसी क्रिकेट बैट की डेथ होती है। तो बलबीर का जो कैरेक्टर था दैट वॉज मोर और वेरी लाइट कि मुझे ऐसा कोई एक्टर नहीं चाहिए था जो मेथड एक्टिंग करे या कोई सोच के एक्टिंग करे या बिलीव करके एक्टिंग करे, ऐसा कुछ नहीं चाहिए। बाकी हमने तैयारी बहुत करी है, तैयारी बहुत करी, मुझे याद है 45 दिन बीकानेर में वो सुबह उठना, मुझे याद है इवन वहाँ पे टॉयलेट तक नहीं होते थे, तो वो जो पूरे एक हमने 45 दिन गुजारे हैं बीकानेर में बहुत ज़्यादा था। एंड आज जो रिएक्शन मिला है सबसे तो लगता है कि फाइनली फिल्म आ गई है, तो बहुत खुशी हो रही है। और मैं सबको प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा कि बटालियन 609 कल आ रही है 11 जनवरी को, प्लीज़ सब देखें, बड़ी प्यारी फिल्म है और दिल को छुएगी। आप करीम आजी हमारे मित्र हैं और इन्होंने एक जनरल की भूमिका निभाई है। हम तीन एक्टर हैं, राज, मैं और चंद्र प्रकाश ठाकुर, इन्हें हम प्यार से सीपी बुलाते हैं। तो डायरेक्टर साहब ब्रजेश भाई ने हमें गाइड किया, एक ग्राफ दिया हम तीनों को ताकि हम वो किरदार आगे ले आए बिना टकराए एक दूसरे से। बहुत मज़ा आया। ब्रजेश हमारे बहुत पुराने दोस्त है, वो राइटर है, डायरेक्टर है, और उन्होंने मुझे फिल्म नरेट की थी और मैंने ब्रजेश से कहा था ब्रजेश ऑल द बेस्ट, आप पॉजिटिव एनर्जीज आ विथ यू। पहले शेड्यूल में हमारा रोल नहीं था और मुझे ऐसा लगा कि शायद ये फिल्म में भी रोल नहीं मिल पाएगा, और फिर पहली शेड्यूल ख़त्म हुई और फ़ोन आया ब्रजेश का, करीम वी आर स्टार्टिंग द सेकेंड शेड्यूल, आ जाओ। एंड सी पी एंड मी एंड हम इकट्ठा बहुत काम किए हैं, बहुत मज़ा आया। फिल्म में एक सरदार जी साहब का रोल प्ले करने का मौका मिला है और हमेशा देखा गया कि इंडियन आर्मी में सरदार जियों ने बहुत बहुत अहम भूमिका निभाई है, और मुझे मौका मिला और आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम, बिकॉज मैं शेव नहीं करना चाहता था क्योंकि मैं कंटिन्यूटी में हूँ, दूसरे जगह भी काम ढूंढते एक्टर्स हम सब। उन्होंने कहा करीम आप सरदार जी बन जाओ और ये रोल आप ही को करना है। मैंने कहा ब्रजेश मैं पंजाबी नहीं बोलता इतनी अच्छी, बोले नहीं आप एक डिग्निफाइड जनरल हो, आप इंग्लिश में बात करोगे और आप बिल्कुल एक एजुकेटेड और एक वेल बिहेव्ड जनरल हो। ब्रजेश थैंक्स अ लॉट ब्रो, थैंक यू आजी फॉर बीइंग अ पार्ट, आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल माय एक्टर्स हु बीन पार्ट ऑफ बटालियन। इस फिल्म की खासियत यही है कि इतने प्यारे प्यारे कैरेक्टर्स हैं ना जो सर ने बनाए, सो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच एवरी ऑल दी एक्टर, स्पेशली मैं ठाकुर साहब का जो रोल था मैं एक ऐसे एक्टर को ढूंढ रहा था, बेसिकली आई वाज लुकिंग फॉर डैनी डोंजो का, बट आई कांट अफोर्ड डैनी डोंजो, बट डेफिनेटली आई कांट अफोर्ड इट, बट आई वाज लुकिंग फॉर समबडी हु कुड एक्ट इन दैट फॉर्मेशन ऑफ थ्रोइंग आउट दैट एंगर। इफ यू सी ठाकुर्स रोल इन द फिल्म, सीपी ठाकुर्स रोल, ही थ्रोस दैट एंगर इन अ स्टाइल एंड अ मैनरिज्म टू कामराज। फॉर द फर्स्ट टाइम आई मेट ठाकुर साहब, ठाकुर जी को जब पहली बार मिला वो पहले टेबल पे बैठे और जिस तरह का उन्होंने हमने डिस्कशन किया और जो बातें बोली मुझे लगता था मेरा यशवंत यही है।